आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। पंजाब के मौजूदा हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सुरक्षा व्यवस्था के उच्चतम मानक अनिवार्य थे। प्रोटोकॉल के मुताबिक मुख्य सचिव या DGP की कार को PM के काफिले में शामिल होना अनिवार्य है। हालांकि ना तो CS और ना ही DGP या उनके प्रतिनिधि PM के काफिले में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में ये बात साफ तौर से कही गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो लॉयर्स वॉयस की याचिका में कहा गया है कि सुरक्षा चूक स्पष्ट रूप से जानबूझकर की गई थी। साथ ही ये राष्ट्रीय सुरक्षा और पंजाब की वर्तमान सरकार की भूमिका के बारे में एक गंभीर सवाल उठाती है। चलिए बताते हैं आपको कि क्या है आखिरकार पूरा मामला जिस पर इतनी ज़्यादा बहस छिड़ रही है। दरअसल कल सुबह प्रधानमंत्री भटिंडा पहुंचे, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था। बारिश और ख़राब विजिबिलिटी के चलते प्रधानमंत्री ने करीब 20 मिनट तक मौसम साफ होने का इंतज़ार किया, मगर मौसम में सुधार नहीं होने पर यह तय किया कि वह सड़क मार्ग से राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दौरा करेंगे, जिसमें 2 घंटे से अधिक समय लगेगा। पंजाब पुलिस के महानिदेशक की ओर से आवश्यक सुरक्षा प्रबंधों की पुष्टि के बाद प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से यात्रा करने के लिए आगे बढ़े। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ते मैं अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।